हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के जो लास्ट हमने पेपर डिस्कशन किया था पार्ट टू वाला, उसमें दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम लोगों ने आपको दिया था होमवर्क करने के लिए कि आप उनको करके देखिएगा। क्वेश्चंस को इसी टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं कोल इंडिया लिमिटेड में, तो वो वाले जो दो क्वेश्चंस थे उनके काफ़ी कम स्टूडेंट ने वैसे आंसर किया है, फिर भी हम लोग देखते हैं एक बार उन क्वेश्चंस को। अच्छा, चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। कोल इंडिया लिमिटेड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो, दो जो क्वेश्चन थे उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका हाफमैन कोडिंग का। हाफमैन कोडिंग की देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न पर काम करता है। बेसिकली यहाँ पर जो कोड होते हैं ये आप खुद से जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई एक हम ये नहीं बोल सकते कि एक फ़िक्स स्कीम है। हाँ, मेथड एक होता है जिससे आप कोड जनरेट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि एक फ़िक्स स्कीम है जिसके थ्रू आपको कोड बनाना है। तो जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, आपका आपको इसका क्या कोड बताना था। तो देखो, यहाँ पे जो कोड होते हैं बेसिकली हाफमैन के अंदर जो कोडिंग की जाती है, तो ये जो आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं ये वेरी वेरी करता है। देखो, होता तो जनरली क्या है कि जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, जैसे ए की बात करें हम, या फिर बी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, या जो सी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कोड्स हैं या फिर जो एलिमेंट्स हैं या फिर जो वैल्यूज़ हैं, इनके कोड जो होते हैं ये वेरिएबल लेंथ के होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीन वैल्यूज़ हमारे पास में हैं। पहली वैल्यू तो हमारे पास में क्या है कि जो हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या है कि ये कितनी बार आया है, मतलब नंबर ऑफ काउंट इनके कितने हैं। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास में होगी काउंट। और थर्ड वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसका कोड जो हम जनरेट करने वाले हैं, तो इनको एक एक करके देखें। वेरिएबल हमारे पास में है फर्स्ट ए, फिर बी एंड सी, तीन वेरिएबल्स हमारे पास में हैं। हम तीनों इनका मतलब इन तीनों का कोड देखते हैं। अच्छा देखो, काउंट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ काउंट मतलब कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स यहाँ पे जो ये वेरिएबल है वो कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको दिखे हैं। ए की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बी की अगर हम बात करें तो बी है आपका 1 एंड 2 टाइम्स। सी की अगर हम बात करें तो सी का काउंट क्या है, 1। अब ये जो वैल्यू हमको मिली, हमको इनसे करना क्या रहेगा, एक ट्री जनरेट करना रहेगा। और ये जो वैल्यूज़ है नंबर ऑफ काउंट जो है, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। कैसे, सबसे पहले हम लोगों ने 1 मेंशन किया, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 6। अच्छा, ये किन वेरिएबल्स के काउंट हैं। 1 की अगर हम बात करें तो 1 है सी का, 2 की अगर हम बात करें तो 2 है बी का, और 6 की अगर हम बात करें तो 6 है ए का वेरिएबल काउंट। अब ये ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न पे काम करता है, मतलब क्या कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ है आप लोगों को क्या करना रहेगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है उन वैल्यूज़ को आपस में मर्ज करना रहेगा। मर्ज करने के बाद में आपको एक नई वैल्यू मिल जाएगी, फिर उस नई वैल्यू को वापस से चेक करना रहेगा आपको कि जो आपके पास में टोटल वैल्यूज़ है उनमें से अगर कोई स्मॉल वैल्यू मिलती है तो उन दोनों को आपस में मर्ज करना रहेगा। करते कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे स्मॉल वैल्यूज़ हमको मिली 1 एंड 2, जब इनको मर्ज किया गया तो टोटल कितना है इसका, 3। अब यहाँ पे 3 और 6 खाली दो ही एलिमेंट बचे, हो सकता है ज़्यादा एलिमेंट होते लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो देखो, अब करना क्या रहेगा कि इन दोनों एलिमेंट्स को मर्ज करना रहेगा। तो इनका जब टोटल हम करेंगे 6 और 3, टोटल आया आपका 9, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट वाली जो वैल्यूज होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्री बना, इस ट्री के लेफ्ट वाली जो वैल्यूज़ रहेंगी उनको हम हमेशा 0 से डिनोट करते हैं, और इस ट्री के राइट की साइड जो वैल्यूज़ रहेंगी उनको हम हमेशा 1 से डिनोट करते हैं। मतलब किसी भी नोड से आप देख लीजिए, जैसे इस नोड के लेफ्ट वाली वैल्यू 0, राइट वाली वैल्यू 1। यहाँ पे इस नोड पे हमने देखा लेफ्ट वाली वैल्यू 0 थी, यहाँ पे राइट वाली वैल्यू जाएगी 1। बस इतना सा है और यहाँ से हमको कोड मिल जाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कोड पूछा गया था, तो कोड अगर हम देखें तो ए जो है इसका कोड क्या है, यहाँ से हम लोगों ने चेक करना स्टार्ट किया तो हमको मिला ओनली 1। तो ए का कोड हमको मिलता है 1। बी की अगर हम बात करें तो बी का कोड हमको क्या मिला, 0 एंड 1। सी की अगर हम बात करें तो सी का कोड हमको मिला है 0 एंड 0। तो जो हमारी ये वैल्यू थी, इसको हम वापस से एक बार लिख देते हैं।
ये जो वैल्यू थी, अब हमको करना क्या है कि ये जो बाइनरीज हमको मिली, जो कोड हमको मिला है, इस कोड को हमको एज इट इज इन पे लिख देना है। ए की जो वैल्यू है ये 1 1, बी की वैल्यू है 0 1, उसके बाद इस वाले ए की और इस वाले ए की यहाँ पे वापस से 1 एंड 1, फिर वापस से हमको बी मिला, बी की वैल्यू है 0 1, फिर हमको ए मिला तो वैल्यू 1, अब हमको नेक्स्ट वैल्यू मिली है सी, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0 एंड 0, फिर हमको ए मिला तो ये वैल्यू हो गई 1, मतलब ये आपका आंसर निकल गया है। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने आपको दिया था करने के लिए। सेकंड एक और क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन नंबर शायद 3 रहा होगा, एक और क्वेश्चन दिया गया था वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें किया क्या गया था, प्लेन टेक्स्ट आपको दिया हुआ था और एक आपको दिया था साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट आपका 1 2 3 4 एंड 5, साइफर टेक्स्ट था 5 4 3 2 एंड 1, और आपको बोला क्या गया था कि ये जो टेक्निक है या फिर ये जो चीज़ यूज में ली जा रही है वो 5 वर्ड्स के ब्लॉक पे यूज पे ली जा रही है। मतलब ब्लॉक जो है आपका वो कितने वर्ड्स का है, 5 वर्ड का, और आपको जो वैल्यू दी हुई थी वो वैल्यू क्या थी, जो मतलब आपको कोड दिया गया था वो कोड क्या था आपका, नेटवर्किंग। अच्छा देखो, आपको जो कोड दिया गया है वो कितने ब्लॉक का है, 5 ब्लॉक के लिए आपको कोड दिया गया है, बाकी ये जो वर्ड है हमारे पास में इसमें टोटल नंबर ऑफ काउंट की अगर हम बात करें या फिर वेरिएबल्स की हम बात करें तो वो 10 है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप इस प्लेन टेक्स्ट और इस साइफर टेक्स्ट का जो रूल है, मतलब यहाँ से जो आपके पास में एक की निकल के आई, उस की को अगर आप यूज में लेके चलते हैं तो आपको पहले 5 एलिमेंट पर इसको अप्लाई करना रहेगा, फिर बाद में जो रिमेनिंग 5 होंगे उन पर वापस अप्लाई करना रहेगा। तो पहले 5 अगर हम देखें तो ओ जो वैल्यू है, NETWO तक जो वैल्यू है, ये 5 वैल्यू जो आपको मिली, इसको एज ए आप प्लेन टेक्स्ट अगर मानते हैं तो इसका साइफर टेक्स्ट क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब ओ डब्ल्यू टी ई और एन, ये 5 वैल्यूज हो चुकी है। नेक्स्ट जो 5 वैल्यूज है इनका वापस ही ये प्लेन टेक्स्ट अगर आप मानते हैं तो साइफर टेक्स्ट इसका क्या होगा, जस्ट उल्टा, मतलब जी से आप लिखना स्टार्ट करेंगे वो आर तक जाएंगे, तो ये होगा जी एन आई के एंड आर, तो ये इसका आंसर है। तो देखो, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन से बेसिकली पूछ लिए जाते हैं, ये भी कोई आपको अगर लॉजिक पता है तो इतना कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं था, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं अगर लॉजिक आपको पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, इस पार्ट में कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, वीडियो कैसा लगा ये जरूर से बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो कोल इंडिया CIL जो है आपका, इसके हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड करेंगे, PDF जो होगी इसकी वो भी हम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके जितने क्वेश्चंस 2017 वाले जो हैं हम बात कर रहे हैं, 2017 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एज ए PDF हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। तो इस वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।